महंगाई को लेकर और काला जादू को लेकर, कलावा को लेकर उन्होंने आपके ऊपर तीखा निशाना साधा है अभय दुबे जी। और प्रियंका वाड्रा जी की तुलना महाकाली से। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, वही तारीख मिली आप लोगों को अभय दुबे जी। और अब ये एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी बोलने दिया करिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। और अब वो कलावा को लेकर भी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कलावा भी चुभ रहा है आप लोगों को, जो धार्मिक प्रतीक। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, प्लीज प्लीज प्लीज। चित्रा जी, सही मायने में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं होती। अगर इस सत्ता की सरपरस्ती में 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंक कॉस्टर्स लूट कर नहीं भागते, अगर सचमुच प्रधानमंत्री जी अपनी सत्ता की सरपरस्ती में 10.7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ नहीं करते ना, तो इतना महंगाई नहीं होती। सचमुच इस महामारी की विभीषिका में 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा ले चित्रा जी, तो महंगाई तो होगी, 84% लोगों की आमदनी घट जाएगी। तिरंगे का जिक्र किया तो तिरंगे में जो केसरिया है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सिर्फ चीन अंदर ही नहीं बैठा, 100 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट उससे कर लिया, हमारे एमएसएमई तबाह हो गए, महंगाई बढ़ेगी। जो सफेद रंग है हमारा वो समृद्धि का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है। अब समृद्धि चंद धन्ना सेठों के हाथ में आ जाएगी तो लोग गरीब हो जाएंगे, तो बैंकों का जो एनपीए माफ किया गया वो भी हम दिखा रहे हैं। जवाब दे देता हूँ, ये झूठ नहीं फैलाया जा रहा। ये देख लीजिए, ये देखिए आप भी स्क्रीन पर देखिए, आपको उर्वरता का प्रतीक है, सुनिए ना, हरा रंग उर्वरता का प्रतीक है। किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी 27 रुपए कर दिया, रोज अनुराग भदौरिया पहन के चले आते हैं क्या हरा रंग, जबकि आपने कहा था कि मैं 5 साल में 2 गुनी कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1002 करोड़ रुपए रोज कमाए, तो महंगाई तो होगी ना प्रधानमंत्री जी, जब ध्वज थामूंगा तो क्या 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 जवाब देंगे आप बताइए। देश में हर घर में आपने बेरोजगारी और महंगाई का झंडा पहले फहरा दिया 8 साल में प्रधानमंत्री जी, और जो समृद्धि की पताका थी वो दोस्तों को पकड़ा। अरे हर घर झंडा को इससे कैसे जोड़ सकते हैं आप? हर घर झंडा वाला देश अगर 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है तो उसको आप इससे कैसे जोड़, दोनों चीजों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है क्या अभय दुबे जी? मैं तो गर्व है, हमने अपने प्राणों को आहूत कर दिया तो हम ध्वज को गौरवपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ही लगाएंगे, हम हर घर में झंडा फहराएंगे। लेकिन ये पूछेंगे सवाल कि 8 साल में हर घर में महंगाई और बेरोजगारी के झंडा, जल्दी से विशाल की महंगाई से निजात दिलाएंगे, काला धन लेकर आऊंगा, 15-15 लाख रुपए ठीक है ठीक है। थैंक यू। परिवार का झंडा उठाना आसान होता है, तिरंगे के लिए किसने अपना जान न्योछावर किया ये माइनो परिवार और यादव परिवार नहीं बता पाए, पर ठीक है उन्होंने, मुझे लगता है कि एक एक करके बात होगी, मैंने किसी के बीच में बोला चित्रा जी ये न्यायपूर्ण नहीं है कि वो बार बार दोनों लोग जनता को समझ में आए। माइनो परिवार वो संघ परिवार पे बोला तो मैं माइनो परिवार भी नहीं पूछ सकता, वो संघ परिवार पूछे, मैं माइनो परिवार पूछ रहा हूँ, कृपया करके इसमें कोई असंसदीय काले मन के लोग इनका किसने फोन में जान गया आपको और सरकार को देखे जाने की जरूरत है, प्लीज इन लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज वो ग्राफिक्स चलाएं। एनपीओ किस तरह से आज आपके सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है आपके, जब से ये देखिए बैंकों का एनपीओ 2017-18 और 2022 तक, और महंगाई का आंकड़ा भी देख लेते हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ी है। आप तो सब्जी खरीदने जाते नहीं होंगे एक सेकंड, मैं बैचलर हूँ, मैं अपना खाना रोज बनाता हूँ घर जाके, टमाटर का रेट पूछना, अनियन का रेट पूछना, दाल का रेट पूछना, मुझसे पूछे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जरा दिखाइए महंगाई, आपको बता सकता हूँ 40 रुपए का मैं टमाटर खरीदता हूँ, 23 रुपए का अनियन खरीदता हूँ, और तूर दाल मुझे 90 रुपए की मिलती है। कहाँ से मिल रहा है 20 रुपए? मैं आपको अभी दिखा दूँ, आपको भी खरीदवा दूँ, 60 रुपए अभी मैं आपको खरीदवा दूँ, मुझे प्लीज मुझे बातों पे आने दीजिए। आम जनता जिस महंगाई ये देख लीजिए ना आप, हाँ, थोक महंगाई और खुदरा महंगाई का मैंने देख लिया ना, बार बार रिपीट करने मुझे जवाब तो दे दीजिए, मैं तो आपने चैनल देख लिया ना, देख लिया, ठीक है बोलिए बोलिए। एनपीए पे ये बार बार एक झूठ बोलते हैं कि 10 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए गए। चित्रा जी आपके पास लैपटॉप है, आप अभी खोलिए, राइट ऑफ एक अकाउंटिंग टर्म होता है जिसका मतलब ये नहीं होता कि माफ कर दिए लोन, इसका मतलब ये होता है बैंक ने प्रोविजन किया डिपॉजिटर्स को उसके पैसे देंगे परंतु रिकवर करते हैं, इसीलिए ये देखिए छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा है, आरबीआई का स्टेटमेंट है कि 8.6 लाख करोड़ के लोन बैड लोन रिकवर किए गए, किसने दिए
थे उन्होंने दिए थे, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे क्लियर नहीं दिख रही है। आज ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में भी छपा है 5.9% लोएस्ट ग्रॉस एनपीए का रेट आज चल रहा है 6 सालों में, ये देख लीजिए मैडम, मैं झूठ नहीं बोलता किसी भी बात पे। और जिस प्रकार से इन्होंने तिजोरियां लुटाई और बैंक लोन दिए, चाहे माल्या को चाहे चोकसी को, सबको, उनके नेता जाकर, जो अभय दुबे के नेता है अजय भाई थिपसे, वो जाकर पैरवी कर रहे थे नीरव मोदी की, उनको वापस लाने का भी, और उनके पूरे पैसों को 80% रिकवरी कर दी गई है। और इसीलिए आज 8.6 लाख करोड़ रिकवर किए गए, एक भी रुपया वेव ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ को वेव ऑफ कहना ये केवल एक वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी इकोनॉमिक सेंस जीरो हो। दबाकर भाग गए वाला जो सवाल शुरू में उठा था वो तो कांग्रेस के शासन में भी ऐसा ही था। ठीक है, जो सवाल उन्हें अनुराग प्लीज अभय दुबे जी को बोलने दीजिए, अभय दुबे जी को बोलिए। महंगाई बढ़ी हुई है, आप सुन रहे बैठ के वहाँ पे कि महंगाई कम हो गई, ये कैसे हो सकता है कि महंगाई कम हो गई? महंगाई कम हुई है क्या? दूसरे साथी को भी बोलने दीजिए अभय दुबे जी, पेट्रोल 100 रुपए की जगह 50 रुपए का बिक रहा है क्या? आप लेकर चले जाएंगे जब आप सरकार में थे, यूपीए के 180 रुपए किलो की दाल थी, 180 रुपए की किलो की दाल थी। विशाल मिश्रा जी के पास में आ गया, अभय दुबे जी को बोलने दीजिए प्लीज। महंगाई से आप क्या कर रहे हैं? अभय दुबे जी, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है जनता की ओर से, इलेक्ट्रिक शॉक किसको देते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक किसको देते हैं? जब सरकार से गई तब 2.25 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट था। आरबीआई की रिपोर्ट पड़ी है, मेन स्ट्रीट मेमो, ये नोटबंदी का जो काला कानून थोप दिया ना हिंदुस्तान पर मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। इसलिए इस महामारी के पहले ऐसी स्थिति थी कि जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो 58 साल के सबसे अपने निचले स्तर पर पहुंच गई थी। 8 क्वार्टर की हमारी ग्रोथ लगातार नीचे, कभी नहीं हुआ आजाद भारत के इतिहास में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एनएसएसओ की रिपोर्ट थी कि 70 साल बाद ऐसा हुआ है कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति माह पर प्रति व्यक्ति आ गया, इतना कभी नहीं गिरा था। तो इनके काले कारनामों की वजह से हिंदुस्तान का व्यापार बर्बाद हुआ। अब बर्बाद हुआ तो इन्होंने अपने दोस्तों पर सत्ता ने हाथ रखा और बारी बारी से भगा दिया और राइट ऑफ कर दिया। मुझे बताइए ना, वो जो राइट ऑफ किया है उसमें कितना परसेंटेज रिकवरी हुई है वो बता दो, पहले आपने गौर नहीं किया था। ठीक है विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, ठीक है देखिए चित्रा जी, विशाल मिश्रा जी, महंगाई है या नहीं है, मानेंगे या नहीं मानेंगे आप चित्रा जी? लेकिन और विपक्ष सड़क पर उतरेगा तभी मानेंगे आप चित्रा जी, ये फिर वही बात, ये काली मनोवृत्ति है सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं चित्रा जी, वो भी तो दृष्टिगोचर हो रहा है। ये बार बार पेट्रोल और डीजल के दामों की बात कर रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि IEA की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जितने भी देश पेट्रोल का आयात कर रहे हैं उनमें सबसे कम वृद्धि भारत के पेट्रोल के आयात हुई है, -2.12% भारत का है और इटली का 5.21% है और अमरीका का 4.87% है और कनाडा का 27.5% वृद्धि है, भारत का माइनस में है। इसी तरीके से डीजल के आयात में जितने भी देश डीजल का आयात कर रहे हैं उसमें सबसे कम दाम में आयात में वृद्धि हुई है तो वो भारत का है -0.49%, उसके बाद इटली का है 14.46% और यूएसए का है 62.45%। लेकिन चित्रा जी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अरे मानवल ये आपकी काली मनोवृत्ति थी कि नहीं थी? गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया था कि नहीं दिया था? आज आज अगर प्रधानमंत्री जी 86 करोड़ लोगों को कोरोना के इस आपदा काल में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसमें गर्व किस बात का होता है? आपने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बताइए कितनी बेसिक चीज थी, लोगों को पानी मुहैया नहीं था कि आज की डेट में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हर घर पानी की व्यवस्था करवाया? कितनी बेसिक चीज थी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की?